नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। वक्त हो चला है एनसीआर टाइम्स का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक कलियुगी कंस मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी को अपनी हवस का शिकार बनाया, जहां पीड़िता ने पुलिस को आरोपी मामा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। वहीं नाबालिग पीड़िता की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने उसे अकेला पाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। साथ ही आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं नाबालिग ने अपनी आरोपी मामा की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी मामा अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। कल हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी कि एक बच्ची के साथ उसी के रिश्ते में मामा लगता है, जो उसने रेप किया है, जिस पर हमने FIR लॉन्च कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितनी उम्र है बच्ची की और आरोपी कितनी उम्र का है? बच्ची की उम्र 15 साल है और आरोपी है वो काफ़ी बड़ा है, 35-36 साल की एज है। जो दोनों ही परिवार किराए पर रहते थे। जो लड़की पक्ष है वो ऊपर रहता था, लड़का पक्ष है वो नीचे किराए पर रहता था। बल्लभगढ़ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सुष्मिता देव ने बीजेपी सरकार को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि मोदी मनोहर सरकार हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से असफल साबित हुई है। वहीं पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली प्रधानमंत्री का नारा हरियाणा में उल्टा साबित हुआ है। साथ ही महिला अपराधों में हरियाणा देश में नंबर वन बन गया है। यही कारण है कि कांग्रेस को प्रदेश में महिला अधिकार यात्रा निकालकर महिलाओं को जागरूक करना पड़ रहा है, ताकि मोदी और मनोहर की सरकार को देश और प्रदेश से चलाया जा सके। और इस कार्य में महिला ही अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगी, क्योंकि समूचे प्रदेश में मौजूदा सरकार के विरोध में महिलाओं का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं महिला अधिकार यात्रा को मिले अपार समर्थन से साफ है कि हरियाणा की जनता जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहती है, वहीं देश की सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी को बैठे हुए देखना चाहती है। सुष्मिता देव ने बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित विशाल महिला अधिकार सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। वहीं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष साधना सिंह ने आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक कुमारी शारदा राठौर ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान, प्रदेश प्रभारी अनुपमा रावत, तिगांव के विधायक ललित नागर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वहीं सम्मेलन में मौजूद हजारों की तादाद में महिलाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव को बल्लभगढ़ क्षेत्र के 36 वर्ग के ओर से पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया। आज का कार्यक्रम महिला अधिकार यात्रा फरीदाबाद आई है, जो पूरे देश में चल रही है। हरियाणा में 30 तारीख को पंचकुला से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी, प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान जी ने यात्रा की शुरुआत की और आज 19वां जिला है फरीदाबाद। आज यहाँ महिला अधिकार यात्रा आई और महिला अधिकार सम्मेलन हुआ है। उसमें हमने आदरणीय सुष्मिता देव जी के सामने रखा, समान काम समान वेतन का अधिकार महिला को मिले, सुरक्षा मिले, कार्यक्षेत्र में CCTV कैमरे लगे, स्वरोजगार करने के लिए हमें बिना ब्याज के लोन मिले, और जो महिला का शोषण करते हैं, जो महिला पर अत्याचार करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। महिला अधिकार यात्रा, इसकी घोषणा हमने 7 अगस्त में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया था, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित थे। इसमें हमारे दो उद्देश्य हैं। पहली बात तो महिला पर बढ़ते हुए अत्याचार और अपराध, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो इतनी बढ़ गई है कि हरियाणा को तो रेप कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा हम मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने पानीपत से लगाया था, और हरियाणा में 8 महिलाओं का रेप होता है ऑन अ डेली बेसिस। हरियाणा इस हद तक, हरियाणा में महिला सुरक्षा इस हद तक मैं मानती हूँ कि व्यवस्था खराब है कि विमेन पुलिस स्टेशन, महिला के पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अफसर का अगर बलात्कार हो जाए तो हरियाणा में कितना बदहाल है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन को हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब सिर्फ बहादुरगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही सफाई कर्मचारी नगर परिषद के मनोनीत पार्षद पालेराम शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर आरोपी मनोनीत पार्षद को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे प्रदेश भर के कर्मचारियों को साथ लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे।
बता दें कि नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल का 9वां दिन है। सफाई कर्मचारी काम छोड़कर नगर परिषद के गेट के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर भी लग गए हैं। कूड़े के ढेर से आती बदबू से लोगों की जीना भी दुश्वार होने लगा है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी न होने तक काम पर नहीं लौटने का ऐलान कर दिया है। हमारे सभी कर्मचारियों की और कार्यकर्ताओं की हमने बैठक की है, जो ये यहाँ पर एक नॉमिनेट पार्षद पालेराम ने हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर यहाँ पिछले 7 दिनों से हड़ताल चल रही है। निश्चित तौर पर ये हड़ताल हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि पालेराम शर्मा द्वारा लगातार हमारे कर्मचारियों के साथ में बर्बरता और बदतमीजी की जा रही है, और यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी हमारे कर्मचारी जो डिग्गी पर रहते हैं उनके साथ में धमकी देने का काम किया है, उनकी लाइटें कटवाने का काम किया है, और उनको ये कहा है कि तुम अवैध जमीन के अंदर रहते हो, तुम्हारे इन मकानों को हम तुड़वाएंगे। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तिरखा कॉलोनी में रहने वाले पप्पू के घर का बिल 76 लाख से भी ज्यादा आ गया। बिल को देखकर पप्पू के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बिल को लेकर अपना सर पकड़ रहे पप्पू बुग्गी चला रहा अपना पेट भरता है। तिरखा कॉलोनी में रहने वाला ये शख्स अपने छोटे से परिवार के साथ रह रहा है। उसने जून में 6000 के करीब बिल भरा था, लेकिन जब उसने नेट से अपने घर का बिल निकलवाया तो पता चला कि 4 महीने में बिजली विभाग ने उसके खाते में 76 लाख से भी ज्यादा का बिल जोड़ रखा है। कितने का बिजली का बिल आया है? 76 लाख। 76 लाख का? हाँ, 80। क्या कैसे आया? तुम बिल नहीं भर रहे थे क्या? भर रहे थे, अब दो महीना से ना भर रहे। तो पहले भी इतना ही आता था क्या? नहीं, कम आता था। अब ज्यादा आया। फिर आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत करी तो फोन नहीं उठाते। कुछ भी ना आजे, हमने तो कभी चोरी भी ना करी, कुछ नहीं करो। कैसे पता चला कब बिल आया था, ये कैसे पता चला है तुम्हें? कंप्यूटर में लिख करवाया सब, आप अपने बिल देख रहे, हम भी देखवान लगे। तो हम कंप्यूटर में देखो तो 76 लाख 40 हजार 39 हजार इतना ही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हाल ही में कथित भूमाफिया के जरिए तोड़फोड़ कर खाली कराई गई जमीन में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां एक शख्स ने दलित बस्ती तक आने जाने का रास्ता रोके जाने से त्रस्त होकर घर में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक के बेटे और स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाल ही में कथित भूमाफियाओं ने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बस्ती के कुछ हिस्से पर तोड़फोड़ की थी और उनका बस्ती में जाने का रास्ता रोक दिया गया, जिसकी वजह से मृतक शख्स परेशान चल रहा था और देर रात उसने घर में ही फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर श्री सनातन धर्म महावीर दल के माध्यम से पिछले 6 दशकों से मनाए जाने वाला दशहरा पर्व जिला फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में एक मिसाल रहा है। तो वहीं भाटिया का कहना है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ये घोषणा की थी कि जो संस्था पहले से दशहरा मनाती आ रही है आगे भी वही संस्था इस पर्व का आयोजन करेगी, लेकिन नगर निगम, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और सभी तरह की सरकारी फीस भी अदा कर दी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने उनकी संस्था को अनुमति नहीं दी है। अब ये मामला पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दरबार में पहुंच गया है। संस्था के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि उन्होंने समय रहते जिला प्रशासन से दशहरा मनाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन के आला अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें गुमराह करते रहे हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए पीएम और बीजेपी अध्यक्ष की ओर से जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर हमारी संस्था को दशहरा मनाने की अनुमति देने की बात कही है। इस मामले में जिला उपायुक्त ने मंदिर के प्रधान को पत्र लिखकर SDM बडकल से मिलने की बात कही है। खबर पलवल से है, हरियाणा सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पार्कों में ओपन जिम लगाए जा रहे हैं, जिससे सुबह सुबह पार्कों में घूमने के लिए आने वाले लोग ओपन जिम में व्यायाम कर सकें, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। साथ ही सीएम के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला, पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम और कैंप कॉलोनी में बने हुए पार्कों में 7 लाख रुपए की लागत से बनी ओपन जिम का शुभारंभ करते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज, निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। साथ दीपक मंगला ने कहा कि शहर में जर्जर हालत से बने हुए सभी पार्कों का सुधारीकरण किया जाएगा, और ये भी कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पलवल जिले में विकास कार्य किए जा रहे हैं।
हमारे पार्क में ओपन जिम आज यहाँ शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ पर जो घूमने आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, और ओपन जिम होने से फिर एक्सरसाइज भी हो जाती है। आज हमने यहाँ पलवल में कई ओपन जिम हमने इस कड़ी में लगवाए हैं। इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जहाँ सरकार चली है, जहाँ अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं शहर के अंदर, उसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हुए यहाँ जो पार्क हैं वहाँ प्रयास ही हो रहा है कि पार्कों में ओपन जिम हो ताकि लोग स्वस्थ रहें। फिलहाल एनसीआर टाइम्स में इतना ही। नमस्कार।